Hey there, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Krish on the Go. Hope you guys are doing absolutely fine. So, आज एक रिक्वेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं कि ये जो एक्शन कैमरा होता है मेरे पास जो एच जे कैम एच जे सिक्स लेजेंड है या मेरे पास एक एच जे 4000 भी है या गोप्रो है जो कोई भी एक्शन कैमरा आप कह लो सो उस कैमरा को कैसे आप ट्राईपॉड या मोनोपॉड या जो गोरिल्ला पॉड होता है उस पर माउंट करोगे और कैसे एज ए ब्लॉगिंग सेटअप आप इसे यूज़ कर सकते हो इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो आज बनाऊंगा। ये एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि कैसे इसे आप माउंट कर सकते हैं, कौन से जो ये जो एक्शन कैमरा के साथ जो माउंट्स आता है उनमें से कौन सा माउंट यूज़ करके आप इसे एज ए ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाऊंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो कोई भी एक्शन कैमरा को एज ए ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ करना इज़ वेरी इजी टास्क। आपको सिर्फ दो माउंट लगेगा, दो माउंट की यूज़ करके आप कोई भी एक्शन कैमरा को एज ए ब्लॉगिंग सेटअप आप यूज़ कर सकते हो। मोनोपॉड, ट्राईपॉड, गोरिल्ला पॉड, किसी भी पॉड पर आप उसे माउंट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं द प्रोसीड्योर। सो मैं ये गोरिल्ला पॉड यूज़ कर रहा हूँ, एज यू कैन सी दिस इज़ द गोरिल्ला पॉड। ये बड़ा वाला गोरिल्ला पॉड है, इसका एक छोटा वाला वर्शन भी आता है, ये बड़ा साइज का गोरिल्ला पॉड है। और इस गोरिल्ला पॉड के जो हेड है यहाँ पर जो आपको स्क्रू दिखाई देगा, एज यू कैन सी दिस इज़ द स्क्रू, इस स्क्रू पर आपको एक्शन कैमरा माउंट करना होगा। सो आप किसी भी तरह का गोरिल्ला पॉड यूज़ कर सकते हैं, मोनोपॉड, ट्राईपॉड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मोनोपॉड, ट्राईपॉड या जो जोबी का जो गोरिल्ला पॉड आता है, जोबी का जो प्रीमियम गोरिल्ला पॉड आता है, उनमें ऐसा आपको क्विक रिलीज माउंट देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी दिस इज़ द क्विक रिलीज प्लेट, ये आपको जोबी के गोरिल्ला पॉड या कोई भी मोनोपॉड या ट्राईपॉड पर देखने को मिलेगा। आपको अगर आपके गोरिल्ला पॉड पर या ट्राईपॉड पर ऐसा क्विक रिलीज प्लेट है, क्विक रिलीज प्लेट पर आपको कैमरा माउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट गोरिल्ला पॉड पर कैमरा माउंट करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा एक्सेसरीज हमें यूज़ करना पड़ेगा, कौन कौन सा माउंट हमें यूज़ करना पड़ेगा कैमरा को माउंट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला माउंट यूज़ करना पड़ेगा, एज यू कैन सी दिस इज़ द माउंट। ये माउंट आपको कैमरे के साथ मिल जाएगा, एच जे कैम या एच जे कैम जैसा कोई भी आप कैमरा खरीद लो, आपको ऐसा एक माउंट देखने को मिलेगा जिसके नीचे ये थ्रेड होगा, जिस थ्रेड के हेल्प से आप गोरिल्ला पॉड के ऊपर या क्विक रिलीज प्लेट के ऊपर आप इसे माउंट कर सकोगे। और गोप्रो के साथ ऐसा माउंट नहीं मिलता है, सो आपको ये सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा, जो आपको अमेजोन में बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत से ख़रीद सकते हैं, मैंने बहुत बार ख़रीदा है, अच्छा क्वालिटी का मिलता है। और जो एच जे कैम, अगर आप एच जे कैम ओनर है या कोई भी ऐसा एक्शन कैमरे का ओनर है, सो आपको ये माउंट उसके साथ फ्री मिलेगा, लेकिन गोप्रो के साथ ये माउंट फ्री नहीं मिलता। और दूसरा चीज़ जो चाहिए वो है ये एक स्क्रू माउंट, ये जो लंबा वाला स्क्रू माउंट होता है, एज यू कैन सी ये फोकस में नहीं ले रहा है, एज यू कैन सी ये लंबा जो टॉल स्क्रू होता है, ये टॉल स्क्रू लगेगा आपको कैमरा को माउंट करने के लिए। तो आप प्रोसीड्योर देख लेते हैं। सो सबसे पहले ये जो गोरिल्ला पॉड का जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप का भी पार्ट है, ये स्क्रू है, इसके ऊपर आपको ये माउंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे आप इजीली स्क्रू करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे आप स्क्रू इन करके इसे आप इजीली ऐसे इंस्टॉल हो गया, यू कैन सी ये ऐसे इंस्टॉल हो गया। अब इसके ऊपर आपको कैमरा माउंट करना पड़ेगा। कैमरा माउंट करने से पहले इसे मैं इसका वाटरप्रूफ केस के अंदर फिट कर लेता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि विदाउट वाटरप्रूफ केस आप यूज़ करना चाहते हो कैमरा को विदाउट वाटरप्रूफ केस, तो आपको स्केलेटन केस यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा वाला एक स्केलेटन केस आपको मिलता है एच जे कैम के साथ, एच जे कैम या जो दूसरा ब्रांड नॉन ब्रांडेड एक्शन कैमरा होता है उसके साथ आपको एक ऐसा स्केलेटन केस मिलेगा, उसका यूज़ करके आप इस कैमरा को विदाउट दिस वाटरप्रूफ केसिंग यूज़ कर सकते हो। बट गोप्रो के साथ ऐसा ऑप्शन नहीं है, गोप्रो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर कोई ऐसा वाटरप्रूफ केसिंग नहीं लगता। सो अभी इस वाटरप्रूफ केसिंग लगाने के बाद ये जो नीचे आपको जो माउंट दिख रहा होगा, ये इसके हेल्प से आप इसे यहाँ पर फिक्स करोगे, लाइक दिस, एज यू कैन सी ऐसे आप फिक्स कर दोगे और एक लॉन्ग स्क्रू के मदद से आप इसे यहाँ पर फिक्स कर दोगे ऐसे।
सो ये हो गया सेटअप, वेरी इजी। सो आप इसे अभी ऐसे आप ब्लॉक कर सकते हो लाइक दिस, आप इसे ऐसे ब्लॉक कर सकते हो या फिर ट्राइपॉड के ऊपर रख के आप वीडियो भी कर सकते हो, वेरी इजी। एंड अगर माइक के डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप बात करें तो माइक आप जो SJ6 लेजेंड है इसका इनबिल्ट माइक है, आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा माइक है। और इस SJ6 लेजेंड का एक एक्सटर्नल माइक भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं जैसा जुगाड़ करता हूँ वैसा भी आप कर सकते हो, लाइक मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करना, देन कैमरा का जो इंटरनल ऑडियो है उसके साथ सिंक्रोनाइज करना भी बहुत इजी है। सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं उसके ऊपर आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही इजी है सिंक्रोनाइज करना। तो ये रहा सेटअप, और इस सेटअप की हेल्प से आप बहुत सारे वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हैंडल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपको ज़्यादा वाइड लगे तो इसे आप नैरो पर भी सेट करके नॉर्मल जो फील्ड ऑफ व्यू होता है उसे यूज़ करके आप ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने इससे ब्लॉक किया है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वालिटी देता है, या एक DSLR की जैसा क्वालिटी आपको दे भी लेगा, या मोबाइल पर भी थोड़ा ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको मिलता है मोबाइल पर अगर आप रिकॉर्ड करें तो। मैंने बहुत सारे वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, बट इससे डिसेंट क्वालिटी का वीडियो मिलता है जो आपको इजीली यूट्यूब पर आप अपलोड कर सकते हैं या एज ए ट्रैवल ब्लॉग कोई भी काम में आप यूज़ कर सकते हैं, डिसेंट क्वालिटी का वीडियो बनता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप SJ4000 का जो मॉडल है जो मेरे पास है अभी भी, ये जो SJ4000 का मॉडल जो मैं पहले यूज़ करता था, सो इसके वो यूज़ करके आप YouTube ब्लॉग ना बनाएं तो ही अच्छा है, इसे आप जस्ट मोटो ब्लॉग के लिए यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये मैक्सिमम 1080p या 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इससे आप 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 24 फ्रेम्स पर सेकंड है। अगर आप सिनेमेटिक चाहते हैं तो 24 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप 2.7K जो 2K जो वीडियो होता है उस पर रिकॉर्ड करके 1080p स्केल डाउन करके आप रेंडर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलता है आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, ये एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है हाउ टू माउंट योर एक्शन कैमरा ऑन अ गोरिल्ला पॉड और ऑन एनी काइंड ऑफ ट्राईपॉड या मोनोपॉड, आप बहुत ही इजीली माउंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस रिलेटेड और कोई दूसरा वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और SJ6 का अगर आपको रिव्यू देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कैमरा है, और ख़रीदने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टेक्निकल वीडियो, ये एक मोटरसाइकिल रिलेटेड वीडियो नहीं है, आज एक टेक्निकल वीडियो हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट व्हाइल यू राइड योर मोटरसाइकिल एंड स्प्रेड लव पीस, बाय बाय, थैंक यू। आप मिलते हैं नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, टिल देन बाय बाय।